खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से है, जहां जनपद क्षेत्र के अधिकारियों के मनमानी रवैया के खिलाफ जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि लोरी जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जहां सदस्यों के अलावा सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन मीटिंग हॉल पे ताला लगा रहा। बता दें कि मीटिंग के लिए कोई भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं रहे। इन बातों की जानकारी लगते ही लोरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौके पर पहुंचे और ताला खोला, जहां अस्त व्यस्त एवं बदबूदार जगह देखकर सत्ता पार्टी के जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सामान्य सभा बैठक का बहिष्कार कर दिया। प्रतिवेदन जमा नहीं करते, उनके साथ ही साथ आज जब बैठक हुई 12 बजे समय निर्धारित किया गया था और 1 बजे तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आए थे। साथ ही बैठक व्यवस्था जो थी पूरी झाड़ू नहीं लगा था बैठक मीटिंग हॉल में, साथ ही पूरा कुर्सी भी अस्त व्यस्त था, इसलिए लगातार अधिकारी के द्वारा हमारी जनपद सदस्य की जनभाव के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और जो एक क्षेत्र में समस्या होती है लोगों की, उन समस्या को लेके हम लोग जब भी जनपद आते हैं तो सामान्य सभा सामान्य प्रशासन की बैठक में सभी अधिकारी लोग अनुपस्थित रहते हैं, उससे ये चर्चा नहीं हो पाती और क्षेत्र में जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सभा कक्षा गए हैं तो सभा कक्षा बंद रही से खुद अपन स्वयं से हमन सब जनप्रतिनिधि दरवाजा खोले हैं, ओकर बाद फिर अंदर घुसे हैं, पूरा टेबल कुर्सी सब बिखरे पड़े रही, बहुत सारा गंदगी भी रही से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चेम्बर चेयर में टावेल वगैरह कुछ भी नहीं लगे रही से। जब से अध्यक्ष बने हैं तब से, मतलब जनप्रतिनिधि बने तब से कोई साफ सफाई नहीं है और कोई अधिकारी कर्मचारी भी अपन मनमानी करत हवे, और कोई भी अधिकारी कर्मचारी जब हम रूम में पहुंचे हैं तब कोई भी उपस्थित नहीं है। कार्यवाही चाहिए, हम लोगों को साफ सफाई रहना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी मन अपन मनमानी करत है, ओला मन हल करना चाहिए। तो कोई भी जनपद सदस्य नहीं पहुंचे थे जिससे पूरा ताला बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ असामाजिक तत्व लोग जाग बैठ जाते थे, इसलिए हम लोग ताला बंद कर दिए थे। जैसे बैठक स्टार्ट हो रहा था उतने समय हम लोग ताला खोलते हैं। और रही बात बैठक स्थगित वाली बात, तो उसमें हाँ देखा गया है कि विभिन्न विभाग के अधिकारी समय पर नहीं पहुँचते, और जो पिछले बैठक का पालन प्रतिवेदन रहता है उसको समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं जमा करते, जिसके कारण जनपद सदस्य लोग के द्वारा गहरी नाराजगी।